बेंच पर बैठे नाम चिंतन करते हुए समुद्र की तरफ देख रहे थे तो अचानक देखा कि बेंच के समीप एक पारसी सज्जन खड़े हुए हैं, सफेद पोशाक सफेद पाग बांधे हुए ऐसे खड़े हैं। बहुत देर तक भाई जी उनकी तरफ देखते, फिर नाम जप करते, फिर देखते और वो खड़े ही रहे। भाई जी ने सभ्यतावश कहा, साहब बैठ जाइए। अब वो बोले डरिएगा नहीं। भाई जी ने कहा मैं क्यों डरूंगा। बोले नहीं, मैं कोई आदमी नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। एक बार भाई जी को पसीना आ गया, जैसे कोई एकदम बोले ला कि तो एकदम। उसने पहले कहा कि आप डरिएगा नहीं, मैं प्रेत हूं। सुनते ही भाई जी के पसीना आ गया, मतलब एकदम अचानक किसी को भी ऐसा हो जाएगा। उन्होंने कहा डरिएगा नहीं, मैं उन प्रेतों में नहीं हूं जो किसी का अनिष्ट कर सकूं। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे बात कर सकता यदि आप ना बोलते। ध्यान दीजिए, एक प्रेत योनि भी है 84 लाख योनियों में, जिनका शास्त्र विरुद्ध आचरण बनता है, धर्म विरुद्ध आचरण बनता है, जो अधोगति को प्राप्त होते हैं, जिससे धंधकारी के विषय में आया है कि वो प्रेत योनि को प्राप्त हुए थे भागवत में चल। बहुत से ऐसी गलतियां हैं जो हो जाने के कारण फिर हमें प्रेत योनि मिलती है। बड़ी भयानक कष्टप्रद स्थिति होती है, उसमें बड़े अच्छे भी प्रेत होते हैं, बहुत बुरे भी, बहुत ही भयंकर कोटि के भी होते हैं। और ये स्वयं सृष्टि में कुछ खा पी नहीं सकते, नदियां बह रहे लेकिन प्यासे तड़पेंगे, एक बूंद पानी नहीं पी सकते। ये जब पिएंगे, जब कभी तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएंगे तभी आहार विहार कर सकते, अन्यथा नहीं। वो ऐसे तड़पते रहते, चिल्लाते रहते हैं। जब कोई अपवित्र और कर्महीन पुरुष फंस जाता है तब ये उनके ऊपर सवार हो जाते हैं, उनका खून पीते हैं, उनके द्वारा जो जल भोजन आदि पाया जाता है उसको वो ग्रहण करते हैं। जो भगवान नाम जप करता है उसके उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, बात भी उससे नहीं कर सकते। विश्वास करना, जो भगवान नाम जप करते रहते हैं ये प्रेत योनि की ताकत नहीं कि उसका स्पर्श कर सके। अपना कल्याण करने के लिए बड़े संतों के जीवन में आते हैं, देखा गया। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी के भी जीवन में एक पाया गया कि एक बार वो वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे तो देखा एक प्रेत वृक्ष को हिला रहा है। बाबा की दृष्टि गई, उन्होंने सब साधकों से कहा सावधान, यहाँ प्रेत आ चुका है। अब तो सब घबरा गए बात सुनते ही। बाबा ने कहा पर चिंता मत करो, वो सामने नहीं आएगा, किसी को छुएगा नहीं, पर वो बड़ा उपद्रव करने लगा, कभी कुटिया में जाकर के पर्दा हिलाना, वैसे कई तरह के। बाबा ने कहा चलो फिर यहां से आसन हटा देते हैं, ये करेगा तो कुछ नहीं पर उपद्रव करता रहेगा। और तो ऐसा कई संतों के जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं, पर वो आपको डिस्टर्ब करने की चेष्टा करेंगे, आपको छू नहीं सकते। तो भाई जी से कहा कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे बोल सकूं, आप बोले तब मेरी हिम्मत हुई, मैं आपसे बात किया, मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं, मेरा उद्धार कर दो। भाई जी थोड़ा हिम्मत किए, जब वो बोला आपसे सहायता करने आया आपका, मैं अनिष्ट नहीं करूंगा, मुझ में ऐसी ताकत नहीं है कि मैं यहां किसी से भी बोल सकूं, जब तक कोई मुझे बुलाएगा नहीं तब तक मैं बोलूंगा नहीं। देखो ये सूक्ष्मता की बात, जिससे कोई खड़ा है, ए कौन हो, सुनो हमसे बात करो, अब वो बात करेगा। अगर आप ऐसा ना बोले तो इसीलिए बोलने की जरूरत क्या है। जैसे आप गंगा किनारे भ्रमण कर रहे हैं या कहीं कोई ऐसा दृश्य दिखाई देता है, नेत्र नीचे कीजिए, चले जाइए। आपको अगर शंका है कोई खड़ा है क्या, क्यों शंका करो, चलो चुपचाप आगे बढ़ो। ए कौन है, सुनो बात करो हमसे, तो फिर बात कर लेगा तुमसे। वो कह रहे हैं, वो प्रेत बोला हम लोगों के लिए आदेश, पूरी सृष्टि में मैं किसी को अपनी तरफ से नहीं छेड़ सकता जब तक कोई हमें न छेड़े। अच्छा, जैसे उनकी वृत्ति मलिन होती है तो जब तक आप अपवित्र नहीं हो, जैसे झूठे मुंह हैं ऐसे ही सब अपवित्र हैं, गंदे आचरणों का चिंतन कर रहे हैं, अब उनको प्रवेश होने की गुंजाइश है, कोई न कोई ऐसी घटना करेंगे जिससे आप उनसे आकर्षित हो, वस्त्र के द्वारा या किसी आसन के द्वारा। मान लो उनका ऐसा अपवित्र आसन है, अपवित्र वस्त्र है, जिससे किसी भी तरह उनका संयोग होने का है चांस, वो आप में प्रवेश कर जाएंगे। यदि आप नाम जापक हैं, पवित्र रहते हैं, तो कहीं भी भ्रमण करके देखा है गंगा जी की परिक्रमा जब की, तो कहीं भी कोई भी ऐसी घातक क्रिया नहीं। और जबकि जगह जगह स्मशान मिलते हैं, दोपहर में भी, रात्रि में भी रुके, कभी ऐसा नहीं,
कभी भगवान नाम जापक ऐसा डरे ना, पर अपनी तरफ से किसी से बोलने के लिए नहीं, कोई वस्तु पड़ी हो, कोई पद, ये सब नहीं छूना चाहिए। तुम्हें लगता है कि ये वस्त्र है, ये अटैची है, या किसी की पर्श है, पता नहीं किस लक्षणों से युक्त है, तुम्हारी हानि कर दे, सहसा कोई पड़ी हुई वस्तु न छुए, किसी से बोले ना, अपनी तरफ से किसी से वार्ता न करे। ये अगर ऐसे सावधान रहे तो है, प्रकृति में है, 84 लाख योनियों में एक योनि, पर कभी ऐसे सहसा किसी को वो आक्रमण करके नष्ट नहीं करते, कोई घबराए नहीं, ऐसा तुमसे बढ़कर वो नहीं है, सबसे बड़े प्रेत तुम हो। यदि आप अपने में रहो तो लाखों प्रेत आपके अधीन हो जाए। आप समझो, जहां यमपुरी की चर्चा आती तो उन्हें प्रेत राज कहते हैं, यमराज जी को, और समस्त जीवों को प्रेत कहते हैं। भूत सर्वभूत हिते रतसा, भूत ही तो है, देखो ये 5 महाभूत है, नहीं ये भूत थोड़ी, ये महाभूत है, इनमें फंस गए, अब इनसे मुक्त हो जाओ, ये भूत है, परेशान करते रहेंगे, 5 महा 5 तो लगे ही है, चूक गए तो और ऊपर इनमें छठा भी चढ़ जाएगा और वो परेशान करता रहता है। इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप बोले तो मेरी हिम्मत बढ़े। भाई जी महाराज, प्रेत से बोले तुम क्या चाहते हो? बोले मेरे पास बहुत सी शक्तियां हैं, मैं कोई साधारण प्रेत नहीं हूं, मुझे गीता याद है पूरी। वैसे तो कहते गीता के श्लोक बोलो तो प्रेत भग जाएगा, वो कह रहा मुझे गीता याद है पूरी, पूरी गीता याद है मुझे। प्रेत लोक में बहुत दुर्गति हो रही, मैं बहुत घबरा गया हूं, वहां बहुत दंड मिलता है। देखो एक बात ध्यान रखनी कि यदि आप भगवत मार्ग में चल रहे, मनमानी गंदे आचरण करेंगे शास्त्र विरुद्ध, तो भगवान सब देख रहे हैं, डरो, इस बात से डरो कहीं तुम्हारी दुर्गति ना हो। देखो बोला मैं मुझे गीता याद, कंठस्थ 18 अध्याय। उन्होंने कहा कि आप तो पारसी हैं, आपका कैसे कल्याण होगा, आप किस पर श्रद्धा करते हैं जो मैं वो क्रिया करूं आपका कल्याण हो जाए? तो उनका आप भगवान नाम कीर्तन करवा दीजिए और गया जी में